हेलो दोस्तों, कहानियों के सिलसिले में आपका स्वागत है। मैं विक्रम कहानियाँ कहता हूँ, इस सोच से कि मेरी दिल की बातें आप तक पहुँच सके। कहानियों के सिलसिले में अंधविश्वास का जन्म, ये कहानी है एक आश्रम की। उस आश्रम में एक महात्मा जी रहा करते थे, उनके साथ उनके शिष्य भी रहते थे। एक दिन एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भटक जाने के कारण आश्रम आ पहुँचते हैं। जब महात्मा जी उस भूखे प्यासे बिल्ली के बच्चे को देखते हैं तो प्यार से उसे खाने के लिए दूध और रोटी देते हैं। उसके बाद वो बिल्ली का बच्चा वहीं पलने लगता है। लेकिन अब महात्मा जी के लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। महात्मा जी जब संध्या वेला में ध्यान करने को बैठते तो वो बिल्ली आके कभी गोद में, कभी कंधे पे या कभी सर पर बैठ जाती, जिसके कारण महात्मा जी का ध्यान टूट जाता। इसका उपाय महात्मा जी ने निकाला, उस बिल्ली को दूर एक पेड़ से बंधवा दिया। अब यह सिलसिला चलने लगा। जब भी महात्मा जी संध्या बेला में ध्यान पे बैठते तो उस बिल्ली को उस पेड़ से बंधवा दिया जाता था। लेकिन कुछ समय के बाद महात्मा जी का निधन हो जाता है। उनके बाद उनका एक काबिल और प्रिय शिष्य महात्मा के गद्दी पर बैठता है। अब नए महात्मा जब शाम में ध्यान पे बैठते तो भी उस बिल्ली को उस पेड़ से बंधवा दिया जाता। ये सिलसिला फिर से शुरू हो गई। लेकिन कुछ समय बाद उस महात्मा के बिल्ली का निधन हो जाता है। फिर सभी शिष्य आपस में परामर्श करते हैं कि जब तक बिल्ली को पेड़ से ना बांध दिया जाए, महात्मा जी ध्यान पर नहीं बैठ सकते। तो निष्कर्ष निकला कि पास के गांव से एक बिल्ली को लाया जाए। सभी शिष्य पास के गांव में जाकर एक बिल्ली को लाते हैं और पेड़ से बांध देते हैं। उसके बाद नए महात्मा जी ध्यान पर बैठते हैं। उसके बाद न जाने कितनी बिल्लियाँ मर गई, कितने महात्मा मर गए, लेकिन बिल्ली को पेड़ से बांधने की परम्परा खत्म ना हुआ। परंपरा निभाते निभाते शिष्य ये भूल गए कि उनके गुरु किस वजह से आदेश दिए थे। आज की कहानी का शिक्षा दोस्तों, परंपरा को अंधविश्वास में नहीं बदलना चाहिए। परंपरा को निभाने से पहले उसके पीछे का वजह जान लेना जरूरी होता है। आज का हमारा साथ यहीं तक। हम फिर मिलेंगे कहानियों के सिलसिले में। सुनने के लिए धन्यवाद। यदि कहानी पसंद आए तो हमें सपोर्ट कीजिए।